टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो की फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज डिस्कस करेंगे हम प्रपोर्शन। ठीक है, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तब बनता है प्रपोर्शन। ओके, जैसे मैंने लिखा टू, एक मेरी रेशियो है 2:3 और एक मेरी रेशियो है 4:6, क्योंकि 4:6 को अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो 2:3 बनेगी ना। तो जब ये दोनों रेशियोज इक्वल हो जाती हैं, अब इसमें हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, हम फोर डॉट्स लगाते हैं, तो ये पूरा जो है ये हमारा पूरा बन जाता है प्रपोर्शन। तो 2:3, 4:6, जब दो रेशियोज इक्वल होती है हम उनको इक्वल पुट करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन में जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ओके, और जो बीच की होती है 3 और 4, ये बीच की, इनको हम कहते हैं मीन टर्म्स। तो अब देखो, अगर वैसे भी देखे तो 2/3 = 4/6 है, तो 2 × 6 = 4 × 3 होगा, इनका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल होगा। तो इसी से फॉर्मूला आया है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जैसे हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इन प्रपोर्शन। अब मेरे पास ये नंबर है और मुझे बताना है ये प्रपोर्शन में है या ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो ये फर्स्ट और लास्ट कौन सी टर्म्स होती है एक्सट्रीम, पहले मैं प्रोडक्ट निकालूंगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स दैट इज इक्वल टू 8 × 12, ये आएगा 96। फिर बीच की दो टर्म का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स ये आया 16 × 6, ये भी आया 96। अगर ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है तो यस, ये प्रपोर्शन में है, गिवन नंबर आर इन प्रपोर्शन। हमारे केस में ये प्रपोर्शन में है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आया, और प्रपोर्शन के लिए कंडीशन होना जरूरी है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो आप लिखेंगे नो, जो भी नंबर होगा आर नॉट इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर से इसमें हम सेम लॉजिक लिखेंगे, आप स्टेटमेंट लिखना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्स चाहे इधर आए जिधर भी आए, उसके साथ जो नंबर है एक्स के साथ उसको आप दूसरी साइड ले जाइए। जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम 11 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ओके, और अगर इधर आएगा तो हम उससे इधर ले आएंगे और इसको सॉल्व करना है। तो ये तो यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ ये आ रहा है अपॉन में, क्वेश्चन में वैसे यहाँ ये 55 है, तो 55 होने पे वो पूरा कट रहा है, आंसर आ रहा है 30। लेकिन आप ढंग से पुट करना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है 5 होगा तो आंसर भाई 3 आपका 30/11 ही आएगा। बस कैलकुलेशन सही करना और मेथड यही है। देखो, एक होता है आपका मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन में जो होता है वो ये होता है a:b = b:c, इसे मीन भी और कॉन्टिन्यूड भी दोनों कहते हैं, मीन प्रपोर्शन भी और कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन भी। अब जैसे ये कह रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 16 और 4, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस एंड 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यानी बीच का। ठीक है, ये जो मीन प्रपोर्शन है इसमें ये बीच में एक्स आ गया, ये जब दो सेम हो हम मीन प्रपोर्शन कहते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ये 16 × 4। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, दो भी जो भी नंबर है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता ही होगा, और 4 का होता है 2×2। ठीक है, अब जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लिख लीजिए, और जो दो बार आ रहा है उसे आप एक बार ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 8 है इसका मीन प्रपोर्शन। अब एक और क्वेश्चन है आपका, अब ये है, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। किसमें है, कंटिन्यूड में,
तो कंटिन्यूड में मैंने बताया था बीच वाली वैल्यू दो बार आती है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में जो मिडल वैल्यू है वो दो बार आती है, और मीन प्रपोर्शन में आप बीच में x लेंगे, ये डिफरेंस है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, लॉजिक हमें अपना वही लगाना है। कितना आया 49, बस ये ऐसे करते हैं, ये सारा प्रोपोर्शन का आइडिया है।